तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। सबसे पहले तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। मैं दुआ करूंगा कि आप सभी की लाइफ में ये दिन आज का एक नया जीवन भर दे, जहां आपकी जीवन खुशहाल हो जाए और ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में घर कर जाए। आते हैं अपने टॉपिक पर। बात करेंगे आज गदर 2 और OMG 2 क्या तांडव करने वाली है। गदर 2 का सुनामी रुक रहा है या और बढ़ गया है? सुनने में तो ये भी आ रहा है कि थिएटर हाउस में ओवरलोड ओवरक्राउड की वजह से क्रैकिंग आने लगी है। इंडियन हिंदी सिनेमा का वो दौर दोबारा देखने को मिल रहा है जो 20 साल पहले देखने को मिलता था। लंबी लंबी लाइंस में जाके लोग पहले से लग जाते थे। जी हां दोस्तों, हिस्ट्री रिपीट करी जा रही है दोबारा से। दोस्तों OMG 2 और गदर 2 धमाका कर रही है, नो डाउट, ना कि सिनेमाघर में बल्कि बॉक्स ऑफिस में भी। तो आज बात करेंगे पहले गदर 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गदर 2 गदर एक प्रेम कथा का सिक्वल है जिसे 2001 में रिलीज करा गया था और इसके लीड में पहली बार सनी पाजी तारा सिंह रोल में देखने को मिले थे और एक्शन के मामले में बाप मूवी बनकर उभर कर आई थी। एट दैट टाइम लोग मूवी देखने के लिए थिएटर हाउस के बाहर पगला गए थे। वैसा ही सेम वाइब आज भी देखने को मिल रहा है। लोग सुबह 1-1 बजे से चले जा रहे हैं टिकट खरीदने के लिए। कई जगह तो फुल नाइट 24 घंटे मूवी चलाई जा रही है। तारा सिंह को वही प्यार फिर से मिल रहा है और मूवी में सनी पाजी ने गजब का एक्शन भी करा है। जो भी थिएटर से बाहर आ रहा है अपनी पुरानी यादें ताजा करके ही आ रहा है। जी दोस्तों, सामने अक्षय पाजी की OMG 2 और रजनीकांत की जेलर जैसी धमाकेदार मूवी होने के बाद भी गदर 2 ने बॉलीवुड इतिहास में जो हिस्ट्री क्रिएट करी है, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करी है आफ्टर पठान इन 2023, अमेजिंग। इस साल की दूसरी सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी उभर कर सामने आ रही है और रोज ऐसा ही आंकड़ा अगले 10 दिन तक लगातार देखने को मिल गया तो शायद ये मूवी इस साल की नंबर 1 क्रॉसर बनकर उभर के सामने आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, और मूवी सुबह 6 बजे से थिएटर में लगा दी गई थी अपने ओपनिंग डे से ही, क्योंकि ये मूवी सिर्फ मूवी नहीं रह गई है, एक इमोशन बनके उभर रही है पूरे भारत में, जिसे जनता 2001 में छोड़कर आ गई थी और अब वो सब दोबारा रिकॉल हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्योंकि गदर फर्स्ट ऐसी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी, आप सभी जानते हैं दोस्तों। इसे कहते हैं क्रेज, इसे कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग लव बॉन्ड एंड इमोशन। वाकई में दोस्तों गदर मूवी नहीं है, एक इमोशन है। या दोस्तों, मूवी को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में लगभग 100 करोड़ के खर्चे पर बनाया गया है और मूवी को 4000 स्क्रीन्स दी गई थी अपने पहले दिन में और बॉलीवुड हिस्ट्री की पहली फिल्म बनी जिसने नॉन हॉलीडे में सिर्फ 4000 स्क्रीन्स पर 40 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया था नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। बावजूद OMG 2 के कलेक्ट होने के बाद मूवी ने अपने पहले ही दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस से 40 करोड़ तक का कलेक्शन अपने खाते में रखा था, एक सॉलिड कॉम्पिटिटर होने के साथ साथ। और दुनिया भर में तारा सिंह की जबरदस्त फैन फॉलोइंग होने के साथ दोस्तों पूरी दुनिया से 60 करोड़ का आंकड़ा अपने खाते में रखा था अपने पहले दिन में। और दोस्तों इसी के साथ अपने पहले दिन जो इतिहास लिखा है, लगभग 25 लाख से ऊपर टिकट बेचे थे। इसी के साथ दोस्तों दूसरे दिन भी अनबिलीवेबल नंबर सामने रखते हुए और सेकंड डे 11000 से ऊपर सोच अपने खाते में रखते हुए 43 करोड़ की इंडियन नेट कलेक्शन किया था अपने दूसरे दिन में, जो कि इस साल की मॉन्स्टर पठान के दूसरे दिन कलेक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड़ता है। और अपने तीसरे दिन में एक ऐतिहासिक कमाई अपने खाते में रखकर बॉलीवुड इतिहास की नंबर 1 फिल्म बन चुकी है मूवी गदर 2। संडे का फुल एडवांटेज लिया इसने और तीसरे दिन में 51 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन किया था, जो आज तक इंडियन सिनेमा की कोई भी फिल्म हिंदी सिनेमा से तीसरे दिन में इतनी बड़ी कलेक्शन नहीं कर पाया है। इसी के साथ ऑल इंडिया ग्रॉस से अपने तीसरे दिन में लगभग 65 करोड़ का आंकड़ा टच करने में सफल हुई थी मूवी और अभी तक पहले दिन 3 दिन का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 134 करोड़ के आंकड़े को टच करता है मूवी का और पहले 3 दिन का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 165 करोड़ टच करता है मूवी का। तो भाई साहब, जिस स्पीड से ये मूवी आगे बढ़ रही है, पठान कौन थी लोग भूल जाएंगे, बात करें वही पूरी दुनिया में कैसी ग्रोथ रही है मूवी की, तो यस अभी तक पहले 3 दिन में मूवी ने 190 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लिया था अपने पहले 3 दिन के आंकड़े में। दोस्तों नो डाउट सनी पाजी की फैन फॉलोइंग सॉलिड है। इसी के साथ बात करें कल यानी 4th दिन में कैसी ग्रोथ है, तो भाई अमेजिंग। 4th दिन भी हिस्ट्री क्रिएट करी गई गदर 2 के द्वारा, क्योंकि मंडे फुल वर्किंग डे होता है और इसने अपने 4th दिन में भी 40 करोड़ का नेट इंडियन कलेक्शन अपने खाते में रखा था और इंडियन हिस्ट्री की लगातार 4 दिन में 40 करोड़ का कलेक्शन करने वाली गदर 2 नंबर 1 फिल्म बन चुकी है अभी तक। इसी के साथ ग्रॉस कलेक्शन कल अपने 4th दिन में 47 करोड़ का रहा था। बात करें आज यानी डे 5, यानी आज इंडिपेंडेंस डे के दिन कैसी बॉक्स ऑफिस सिनेरियो है मूवी की, तो दोस्तों आज भी अपने 5वें दिन में ऐतिहासिक कमाई करते नजर आ रही है मूवी। दोस्तों हर दिन एक नया रिकॉर्ड तोड़ के उससे अपने नाम कर रही है गदर 2। जहां दोस्तों आज सिर्फ एडवांस से 35 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है मूवी ने।
दोस्तों इट्स अ ह्यूज ह्यूज नंबर एवर आई सीन, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा, चाहे हॉलीडे हो या कुछ भी हो, अपने पांचवें दिन में ऐसी ग्रोथ आज तक इंडियन सिनेमा में किसी भी फिल्म को नहीं मिली है जैसी गदर 2 कमा रही है। दोस्तों ये दिखाता है दिस इज द पावर ऑफ आवर 90s सिनेमा। 19 सिनेमा के एक्टर की फैन फॉलोइंग ट्रू एंड मोस्ट बिलवर्ड है, दिल से प्यार है सनी पाजी के लिए सभी का, नो डाउट। जी दोस्तों मॉर्निंग से ही आज लगभग 80-85% की ऑक्यूपेंसी रेट के साथ मूवी गदर मचाने को तैयार बैठी है, और आफ्टरनून में 90-95% की ऑक्यूपेंसी रेट के साथ जबरदस्त ट्रेंड कर रही है, और इवनिंग और नाइट की तो बात ही मत करो, यहाँ पर फुल हाउसफुल शो चल रहे हैं। थिएटर के बाहर जाके भी कोई फायदा नहीं है आप लोगों का, अगर टिकट लेने जाएंगे तब लोगों को टिकट नहीं मिल रही है। जी हाँ दोस्तों फुल हाउसफुल चल रहा है। दोस्तों जनता गदर 2 को भर भर के प्यार दे रही है, फैमिली टुगेदर ऑडियंस की फर्स्ट चॉइस है मूवी गदर 2। इसी के साथ आज एंड ऑफ द डे तक एक बार फिर लगभग 55 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम करते दिखेगी मूवी अपने पहले 5 दिन के इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से। ये मूवी आज 225 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करते नजर आएगी एंड ऑफ द डे तक, सिर्फ नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। इसी के साथ दोस्तों पूरी दुनिया से ये फिल्म आज 300 करोड़ के आंकड़े को आराम से टच कर देगी आज अपना 5वां दिन खत्म होते होते। दोस्तों मूवी अमेजिंगली ग्रो कर रही है, नो डाउट, लोगों की पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो रही हैं और लोग एक फेस्टिवल की तरह मूवी को देखने भी जा रहे हैं, और सनी पाजी का को काफ़ी अप्रिसिएट भी कर रहे हैं, और जनता का प्यार सनी देओल के लिए अनकंडीशनल दिल से निकल रहा है। बात करें दूसरी फिल्म यानी OMG 2 की, तो दोस्तों ये भोलेनाथ का साथ भरपूर मूवी के साथ चल रहा है। जैसी फिल्म ने भोलेनाथ में अपनी कृपा दिखाई है वैसी ही मूवी को आगे बढ़ाने में भी दिखा रहे हैं, क्योंकि सामने गदर 2 जैसी जाइंट मॉन्स्टर बैठी है। फिर भी जहाँ दोस्तों पहले तो OMG 2 को सेंसर बोर्ड ने बहुत लताड़ लगाई थी, जिससे मूवी की इमेज रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप कैटेगरी में काउंट करी जाने लगी थी। फिर दूसरी किस्मत वहां खराब हुई जब इसके सामने गदर 2 ने एंट्री मारी और सारी ऑडियंस सारा पब्लिक अपनी तरफ खींचते हुए जबरदस्त गदर मचा रही है गदर 2। जहां दोस्तों लेकिन अपने कॉन्टेंट के दम पर OMG 2 गदर 2 से टक्कर ले रही है, अपने हिस्से की ऑडियंस अब खींच के ला रही है वापस। भले मूवी ने ओपनिंग बहुत स्लो करी, भले OMG 2 की ग्रोथ पहले दिन पर बिल्कुल एवरेज थी, लेकिन दूसरे दिन से मूवी ने पीक पकड़ी है, मूवी बहुत शानदार ग्रो कर रही है अक्षय पाजी की। जहां दोस्तों मूवी अब ट्रैक में आ रही है दोबारा से और हेटर्स को करारा जवाब देते हुए फिल्म सुपर हिट का टैग अपने नाम कर रही है। जहां दोस्तों मूवी को अमित राय के डायरेक्शन में मात्र 150 करोड़ के बजट पर बनाया गया है, जिसके मेन लीड में आपको पंकज त्रिपाठी और अक्षय पाजी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मूवी सोशल कॉमेडी ड्रामा पर बेस है, मूवी को 1600 स्क्रीन दी गई थी अपने पहले दिन रिलीज होने पर। जी हां दोस्तों मूवी को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया था, पहले तो ये कि अगर ये फिल्म 11 अगस्त को ना रिलीज होकर अगर किसी और दिन रिलीज होती तो शायद इस फिल्म के आंकड़े में 2 गुना बढ़ोतरी देखने को मिलती डेफिनेटली। लेकिन फिर भी दोस्तों अपने कॉन्टेंट के दम पर इस फिल्म ने काफी अच्छी कमाई करी है, साथ ही सभी यूट्यूबर्स ने भी मूवी को बहुत अच्छे रिव्यूज दिए हैं और पब्लिक की तरफ से तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इनको मिल ही रहे हैं। जी दोस्तों मूवी ने ओपनिंग तो स्लो ही लिया लेकिन अब रफ्तार पकड़ रही है और ऑडियंस अब धीरे धीरे OMG 2 की तरफ भी भाग रही है। जी दोस्तों पंकज त्रिपाठी की परफॉर्मेंस ने सभी का दिल लूट लिया, उनकी कॉमिक टाइमिंग ने एक तरफा मूवी में डोमिनेट किया है। यामी गौतम ने भी अपोनेंट में पंकज त्रिपाठी को जबरदस्त टक्कर दिया है और ओवरऑल मूवी बहुत शानदार है, आपको मजा आ जाएगा। जी दोस्तों एक सॉलिड अपडेट बताऊं तो मूवी ने कल तक अपने पहले 4 दिन में एक मोटी कमाई करके सेफ जोन में एंट्री मार ली है, और यस अपने पहले दिन 10 करोड़ का नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने खाते में रखा था, तो वहीं इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस से लगभग 12.5 करोड़ का आंकड़ा अपने खाते में रखा था। दोस्तों अगर गदर 2 से इस फिल्म का क्लैश नहीं होता तो सिर्फ इंडिया से OMG 2 बहुत मोटी कमाई अपने खाते में रख के ले जाती। इसी के साथ दोस्तों दूसरे दिन भी नेट इंडियन कलेक्शन में मूवी 15.3 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन करा था, और अपने तीसरे दिन में संडे का फुल एडवांटेज लेते हुए OMG 2 ने 19.5 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में रखा था। इसी के साथ पहले 3 दिन का नेट इंडियन कलेक्शन मूवी से लगभग 45 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर देता है आराम से। इसी के साथ मंडे में कल कमाल कर गई मूवी। अगर गदर 2 ने मोटी कमाई करी है तो OMG 2 ने भी कम परफॉर्मेंस नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों हेटर्स का कहना था कि तीसरे दिन तो संडे था इसलिए ग्रो कर गई, औकात तो मंडे को पता चलेगी, लेकिन अनबिलीवेबल दोस्तों मंडे को 12 करोड़ का कलेक्शन किया अपने ओपनिंग डे से भी ज्यादा, और पहले 4 दिन का टोटल आंकड़ा 57 करोड़ का क्रॉस कर चुका है एंड ऑफ द डे तक अपने नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। दोस्तों बात करें आज यानी डे 5 में कैसी ग्रोथ है, और गदर 2 जायंट मूवी होने के बाद भी शानदार परफॉर्म कर रही है मूवी। जी हाँ दोस्तों आज भी मॉर्निंग से ही सॉलिड ऑक्यूपेंसी रेट से अपना खाता खोला है मूवी ने, 35-40% की ऑक्यूपेंसी रेट के साथ आफ्टरनून और इवनिंग में भी काफी सोच अपने खाते में रखते नजर आ रही है मूवी, और आज सिर्फ नेट इंडियन कलेक्शन संडे का हाईएस्ट कलेक्शन रिकॉर्ड को भी तोड़ते नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों लगभग 21 करोड़ का आंकड़ा टच करते नजर आएगी एंड ऑफ द डे तक आज मूवी,
और 78 करोड़ का टोटल नेट इंडियन कलेक्शन मूवी कर लेगी आज एंड ऑफ द डे तक, पूरे पहले 5 दिन के कलेक्शन को मिलाकर बोले तो। इसी के साथ एंड ऑफ द डे तक इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 91 करोड़ के ऊपर सेट कर देगी मूवी पहले 5 दिन में, और ओवरसीज से 13 करोड़ का सफल आंकड़ा चुराकर मूवी आज एंड ऑफ द डे तक 104 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करते नजर आएगी, नो डाउट। दोस्तों मूवी को पब्लिक की तरफ से काफ़ी अच्छे रिव्यू मिलने हैं और बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी मिलने हैं, तो मूवी अपने पहले हफ्ते में धमाका करने वाली है। तो ख़त्म करने से पहले एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन। तो आज का आप लोगों का क्या कहना है, कौन सी मूवी आज आप देखने जाओगे, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, अपनी राय जरूर बता के जाना। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आप लोगों ने भी गदर 2 और OMG 2 अभी तक देख लिया है तो मूवी आपको कैसी लगी, और क्या गदर 2 पठान का रिकॉर्ड 1000 करोड़ को भी क्रॉस कर पाएगी या नहीं, और पठान को खदेड़ पाएगी या नहीं, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय और एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।